Hello everyone, so in this video we will talk about Ashoknagar district. Alright, before this we have already completed Datia, and in this we'll talk about all the minute details jo bhi isse related hai. There are so many places Ashoknagar as well jo exam perspective se kafi zyada important hain. So yes, we'll see them all one by one, but first let's see the map of Madhya Pradesh. So let's locate where is Ashoknagar, and there we have Ashoknagar in the center. Alright, ye raha Ashoknagar. It is surrounded by Shivpuri, Guna, विदिशा, सागर. तो ये तो चार जगह हो गई जो मध्य प्रदेश की ही हैं. ये चार डिस्ट्रिक्ट एमपी के हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर जो है ललितपुर या झांसी. सो वील चेक इट वंस यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट लग रहा है यूपी का, एंड ऑल्सो वी नीड टू लर्न दिस ऑलराइट कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है स्पेसिफिक. नाउ मूविंग ऑन, वील सी क्विक फैक्ट्स अबाउट अशोकनगर. सो सबसे पहले लिटरेसी इज 67.9%. यहाँ की लिटरेसी 67.9% है. टॉकिंग अबाउट ग्रोथ रेट जो कि डिकेडल है 22.6%, ठीक है. एंड ये कब से कब का है, 2001 से 2011 का है ऑब्वियसली. सेक्स रेशियो इज 900, दैट इज 900 फीमेल पर 1000 मेल. चाइल्ड सेक्स रेशियो इज 914, जो कि 0 से 6 ईयर्स के बच्चों की है, ठीक है. 914 पॉपुलेशन इज समवेयर अराउंड 8,45,000, प्रिसाइजली 8.5 लाख. डेंसिटी इज 180, दैट इज 1 किलोमीटर का जो रेंज होता है एरिया का, उसमें मोर और लेस 180 लोग रहते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट कब बना था, ठीक है. सो बेसिकली अशोकनगर जो है गुना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता था, लेकिन 2003 में, ओके, अगस्त 15, 2003 में अशोकनगर को गुना से अलग करके एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया. सो दिस डेट इज इम्पॉर्टेंट, राइट. अब इट इज़ बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय बेतवा रिवर एंड ऑन द वेस्ट बाय सिंध रिवर. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है. जो अशोकनगर है वो ईस्ट में बेतवा से और वेस्ट में सिंध रिवर से बाउंडेड है, बॉर्डर है उसका मतलब, ठीक है. एंड येस, वी वर टॉकिंग अबाउट कि उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है. सो इट इज़ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से इसको टच कर रहा है ये. देन वी विल सी कि ये जो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट है अशोकनगर, इसकी 6 तहसील हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले अशोकनगर खुद है, देन चंदेरी, ईसागढ़, मुगावली, चदोरा एंड बहादुरपुर. दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट तहसील्स. इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसमें चंदेरी इंपॉर्टेंट है, ईसागढ़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मुगावली भी है इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज अ फैक्ट फ्रॉम मुगावली, यहाँ पे कोई जेल बनी थी स्पेसिफिक, वी टॉक अबाउट इट इन डिटेल. देन बहादुरपुर एंड शडोरा. मूविंग ऑन, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ अशोकनगर. तो पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने पहले भी बोला है हिस्ट्री स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स की नहीं पूछी जाती है. वी जस्ट नीड टू हैव एन आइडिया, एक आइडिया होना ज़रूरी है कि वहाँ पर कौन कौन आए थे एंड किस टाइम के थे, ठीक है. अ पार्ट ऑफ छेती किंगडम ऑफ शिशुपाल इन महाभारत पीरियड, ठीक. अशोकनगर जो है शिशुपाल किंगडम का पार्ट था महाभारत के टाइम पे. चंदेरी स्टेट जो था एक ओवरऑल एंशियंट टाइम का, उसका भी ये पार्ट था. 6th century BC में चंदेरी एरिया वॉज अंडर अवंती, दशरना एंड छेदी जनपद, ठीक है. सो जो जनपद थे महाजनपद, तो 6th century जो टाइम था उस टाइम चंदेरी का जो एरिया था, जिसमें अशोकनगर प्रेजेंट टाइम का भी इंक्लूडेड था, ये किसके अंदर आते थे, ये सबके, अवंती के, दशरना के, छेदी के, ठीक है. इट वॉज द पार्ट ऑफ नंदा, मौर्य, शुंग, मगध. मतलब ऑलमोस्ट उस टाइम पे जितने भी आए हुए थे डायनेस्टीज थी, रूलर्स थे, ये सबका मोरलेस पार्ट था, ठीक है. बिकॉज इसके बाद नाग डायनेस्टी जो थी उनके टाइम पर भी यहाँ पर लोगों का इन्फ्लुएंस था, गुप्ता, मौखरीज, ठीक है, हर्षवर्धन, सब लोगों का था मोरलेस. इन 8th and 9th century इट फेल टू द प्रतिहार राजपूत डायनेस्टी, ठीक है. प्रतिहार राजपूत डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पर 8th और 9th century में था, उन लोगों ने इसको कंट्रोल कर रखा था. चंदेल्स ऑफ जेजक भुक्ति, ठीक है, ऑल्सो रूल्ड हेयर ब्रीफली. देन चंदेरी किंगडम वॉज ऑल्सो अफेक्टेड बाई रिपीटेड इन्वेजन ऑफ महमूद गजनबी. देखिए, वी नो महमूद गजनबी ने इंडिया में 11th century में काफ़ी सारे इन्वेजन्स किए हैं और अलग अलग जगहों पे किए हैं. तो चंदेरी किंगडम वॉज वन ऑफ दोज, ठीक है. आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेली सल्तनत, तुर्क्स, अफगान्स एंड मुगल्स रूल्ड इट. डेली सल्तनत के बाद भी जो तुर्क्स थे, अफगान्स थे और मुगल्स थे, उन्होंने यहाँ पर रूल किया था. ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंदेरीज बुंदेला रूलर मोर प्रहलाद, ग्वालियर रूलर दौलतराव सिंधिया सेंट हिज जनरल जॉन बैप्टाइज टू अटैक चंदेरी. सो बेसिकली चंदेरी पे अटैक करने कौन आए थे, ग्वालियर के जो रूलर थे वो आए थे, ठीक है. मतलब उन्होंने अपने जनरल को भेजा था और जनरल का नाम था जॉन बैप्टिस्ट. ही कैप्चर्ड चंदेरी एंड ऑल्सो ईसागढ़ एंड आसपास के एरिया. लास्ट बुंदेला रूलर जो थे हमारे चंदेरी राजा मर्दान सिंह, उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया एज अ फ्रीडम फाइटर. तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि राजा मर्दान सिंह कौन है एंड कहाँ से हैं. सो ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ऑल राइट. रीजन वॉज रूल्ड एज अ पार्ट ऑफ ईसागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट ऑफ ग्वालियर, ओके. बट चंदेरी वॉज अ पार्ट ऑफ नरवार डिस्ट्रिक्ट. सो ये टेक्निकलिटीज़ हैं कुछ कुछ, बट इतना प्रिसाइज पूछा नहीं जाएगा, इट इज़ जस्ट फॉर सम आइडिया. सो लेट्स गो थ्रू दैम. देन एक मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज़ करीला माता मंदिर. बर्थ प्लेस है लवकुश का, सन ऑफ लॉर्ड राम एंड सीता माता, ओके.
हाँ, ह्यूज फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे रंग पंचमी पर। एक काफ़ी बड़ा और फेमस है वो फेयर होता है, मेला होता है, जिसमें राई डांस करने के लिए स्पेशली मेड़नी वेमेन आती हैं। ठीक, देन वी हैव चिनिया केव नियर नानोन विलेज इन पिपराई तहसील। सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन लाइक इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि कभी पूछा जा सकता है यू नो कि पिपराई तहसील में कौन सी केव्स मिलती हैं, तो यू नीड टू नो। देन चंदेरी, वी नो चंदेरी बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज एम पी इज कंसर्न। चंदेरी फैब्रिक को तो ऑलरेडी जी आई टैग मिला हुआ है। देर आर मैनी अदर जी आई टैग्स लाइक टीकमगढ़ के जो मेटल टॉयज हैं उनको जी आई टैग मिला हुआ है। टॉकिंग अबाउट बाघ प्रिंट्स, उसको जी आई टैग मिला हुआ है। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट चंदेरी। ठीक है, तो सबसे पहले किसने फाउंड किया था? तो राजा कीर्तिपाल जो है उन्होंने फाउंड किया था 10th-11th सेंचुरी में, और उसको अपनी कैपिटल बनाया था। किसको? चंदेरी को। उनका लोगों का यहाँ पे चंदेरी में मेन ऑक्यूपेशन क्या है? हैंडीक्राफ्ट है। ठीक है, चंदेरी सारी गॉट जी आई टैग। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर मेड बाई कॉटन एंड सिल्क बाई हैंड थ्रू खटका। नाउ वट इज़ खटका? ये एक सेल्फ मेड मशीन है जिससे साड़ी बनाई जाती है। ठीक है, नाउ देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, श्री आनंदपुर। ये जो है वर्ल्ड हेडक्वार्टर है एक पर्टिकुलर सेक्ट का जिसका नाम है अद्वैत परमहंस। ठीक है, तो जो अद्वैत वेद ये जो है ना डुअलिज्म और मोनिज्म ये अलग अलग जो सेक्ट्स हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है ये वर्ल्ड हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे वर्ल्ड ओवर लोग आते हैं दो स्पेसिफिक डेज पे, दैट इज़ बैसाखी एंड गुरु पूर्णिमा। ठीक है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। देन अनदर थिंग इज़ कड़वाया, एक ये स्मॉल विलेज है इस डिस्ट्रिक्ट में जो शिव मंदिर के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट चंदेरी फोर्ट, एज फार एज मॉन्यूमेंट्स आर कंसर्न, तो अशोकनगर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है चंदेरी फोर्ट, यहाँ का किला। इसमें एक हवापौर नाम की जगह है, एक खूनी दरवाज़ा है जिसको हम गेट ऑफ ब्लड भी कहते हैं। देन वी हैव हवा महल, नौखंडा महल। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर है चंदेरी में नौखंडा महल। ठीक है, एक और इस टाइप का महल है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जो दतिया में है, रिवाइज इट। ओके, यहाँ का जो गेटवे है उसको कट्टी घट्टी कहते हैं। सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि यू नो चंदेरी फोर्ट के गेटवे का नाम क्या है, एंड दे कैन गिव यू फोर ऑप्शंस, राइट? कौशक महल ऑफ चंदेरी इज ऑल्सो फेमस, जिसको बोलते हैं तवारे की फरिश्ता। ठीक है, और इसको ये किसने नाम दिया था? महमूद शाह खिलजी ने। ठीक है, ईसागढ़ एक ओल्ड टेम्पल है कड़वाया टाइम का, जिसको हम चंदल मठ भी बोलते हैं। देन थुबोंजी सिद्ध क्षेत्र, ये जो है टेम्पल का ग्रुप है, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल हैं। ठीक है, सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट एंड आई हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द फैक्ट्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।